बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कुकिंग। मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे आज हम, जिसे बनाना बहुत ही आसान, देखने में जितने डिलीशियस हैं, खाने में उससे ज़्यादा ज़बरदस्त। तो चलिए इस गुड लुकिंग सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया हमने बॉल, इसमें डालेंगे एक कप हम बेसन, बेसन में डालेंगे हम पानी और इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ऐसा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। आपको इसी तरह का पेस्ट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पर ऑयल हमने गर्म कर लिया है और अब हम इस बेसन को ऐसे पतले पतले लेयर में डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जैसे ये फ्राई होते जाएंगे, ये ऊपर इस तरह ऑयल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। तो इसी तरह हम सारे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें इस तरह छोटे पीसेस में इसको करके डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू तो आप बाज़ार के खाना भूल जाओगे। तो यहाँ पे हमने तमाम पकौड़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, इसमें डाला है एक कप चीनी, हाफ कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें ऑरेंज फूड कलर, इससे हमारे जो लड्डू हैं उसका कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो यहाँ पे हमने जो चाशनी है उसको 2 से 3 मिनट तक तैयार कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करेंगे और ये जो हमने बेसन को पीस लिया था ये शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम खुश कर लेंगे, ताकि ये जो बेसन को पीसा है इसमें चाशनी जो है वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए, पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश हो गया है। तो अब हम इसके टेस्ट को दिवाला करने के लिए इसमें 2 चम्मच देसी घी के शामिल करें। आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देसी घी ना हो तो, लेकिन अगर देसी घी हो तो आप वही इस्तेमाल करिएगा, इसका टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लड्डुओं की शान हम इसमें शामिल कर रहे हैं 4 मग्स, इससे हमारे लड्डुओं की खूबसूरती और दुबला हो जाएगी। तो यहाँ पे लड्डुओं का मिक्सचर तैयार हो गया है, तो अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू आप तैयार करने के लिए गरम गरम ही, जब आपका मिक्सचर हो तभी आप लड्डू तैयार करिएगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू तैयार नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमने ये देखें कितने ज़बरदस्त से लड्डू अपने तैयार कर लिए हैं। ये देखें देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से तमाम लड्डू हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लड्डू की रेसिपी हो गई तैयार। ये देखें दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे ही खाने में इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपनी कीमती राय का इजहार किया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग को, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।